दिनांक 7 सितंबर 2023 गांधीनगर जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क में हमारा वीएससीसी टीम और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री यशपाल चौधरी द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर काफी विशाल भंडारा आयोजित कराया गया, जिसमें हर एक सदस्य ने और मार्केट एसोसिएशन ने पूरा सहयोग दिया है। हम दिल से पूरी मार्केट और टीम का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दर्शकों, मैं वीएससीसी न्यूज 24 का रिपोर्टर राहुल चौधरी जम्मू एंड कश्मीर से। आज हमारी एनजीओ वॉइस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर एक भंडारा आयोजित किया गया था, जिसमें काफ़ी भारी लोगों की संख्या आई और जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। हमारे साथ हमारी जे एंड के प्रेजिडेंट मिस्टर यशपाल चौधरी जी जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम कैसा रहा। मैं सबसे पहले 24 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और राहुल चौधरी जे एन के पत्रकार का धन्यवाद करता हूं, अपनी पूरी टीम का और अपने पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं। मैं वाइस संगेश क्राइम एंड करप्शन जे एन के प्रेसिडेंट यशपाल चौधरी। आज का जो हमारा जन्माष्टमी पे विषय था, एक भंडारे का जो योगदान सभी ने मिलकर दिया, गांधी नगर ग्रीन वैल्ट पार्क जम्मू में, यहाँ पे 15 अगस्त को भी चंडा चढ़ाया, आगे 26 जनवरी को चढ़ाएंगे। आज हमारा लंगर काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें कम से कम भी 2000 बंदों ने आज लंगर प्रसाद लेके और बड़ी खुशी से जो कृष्ण जन्माष्टमी है के लोग धूमधाम से यहाँ से प्रसाद है जो ग्रहण करके गए हैं। वाइस संगेश क्राइम एंड करप्शन की पूरी टीम, ग्रीन बेल्ट पार्क की जो मार्केट एसोसिएशन है, इनके जो कर्ता दर्ता थे वो भी हमारे साथ में थे। हम मार्केट का भी थैंक्स करते हैं, अपनी संस्था के जितने भी कर्ता दर्ता हैं, जितने भी जम्मू में हैं, पत्रकार हैं, चाहे हमारी संस्था के, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटी हम करते रहें, ऐसे भगवान के नाम के लंगर लगते रहें, तो उसमें क्या है कि हमारी जो एनजीओ है नेशनल लेवल की वाइस स्टेटों में काम करती है, ऐसे ही सभी मिलजुल के भगवान का कोई भी काम हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यही ही कहूँगा, भारत माता की जय। कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में मैं उनको भगवान को भी बहुत बहुत सबके लिए मैं भगवान से भी के दुआ मांगूंगा कि भगवान सभी को आशीर्वाद दे। जय हिंद, जय भारत।